नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। अगली दर्दनाक खबर मथुरा से आ रही है, जहां कोसी कला के NH2 पर तेज रफ्तार आइसर कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी श्रद्धालु इटावा के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के गोगा मेड़ी से जहरवीर के दर्शन करके लौट रहे थे। आपको बता दें कि घटना थाना कोसीगला इलाके के NH2 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित आइसर कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मचने लग गई। कैंटर में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। कैंटर सवार सभी श्रद्धालु इटावा के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के गोगा मेड़ी में बाबा जहरवीर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। तभी कोसीकला इलाके के NH2 चेक पोस्ट के पास आइसर कैंटर चालक को नींद आ गई और कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई और भीषण हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसा हो गया, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कहां से आ रही है? इटावा से। ये क्या घटना हुई थी अभी आपके? वो नींद में आ गया था। कौन? अच्छा, चल गई थी। कितनी सवारियां थी? सवारियाँ कितनी थी? 60 सवारियाँ थी। कहाँ पलटा है ये? कोसी के पास। सातना जाना, ये कौन चला हुआ है? तो कितने लोग घायल हैं इसमें? हम भैया सब घायल हैं साहब। क्या नाम है आपका? बिमला देवी। बिमला देवी, क्या घटना हुई थी यहाँ पर अभी बताएं? अभी गाड़ी पलट गई, चोट चपाट है काफी ज्यादा। कहाँ से आ रहे थे आप? गोगा मेड़ी से। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? 60 लोग। 60 लोग। कैसे पलटी, कुछ जानकारी है? किस तरह ओवरटेक में ब्रेक गई गाड़ी। अच्छा, तो आप कितने लोग घायल हैं इस गाड़ी में? 8-10 लोग घायल। ज्यादा लोग? 10 लोग घायल हैं। कहाँ ले गए उनको? हॉस्पिटल। आपके भी चोट आई है? नहीं, हमारी थोड़ी बहुत है, नेक ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे ये मुझे पुलिस वाले आ गई थी। हां, पुलिस आई थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।